हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं मनोज पुनिया, यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर के ऑनलाइन क्लासेज प्लेटफॉर्म पर आपका मोस्ट वेलकम। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 दो एडवेंचर था हॉर्नबिल बुक का, उसके बारे में पढ़ा था पार्ट फर्स्ट, कि किस प्रकार ट्रेन में सवार होकर प्रोफेसर गाई टेंडो, जिसका नाम गंगाधर पंत है, वो बॉम्बे रेलवे स्टेशन पे पहुंचता है और वहाँ से स्टेशन से बाहर निकलता है तो अपने आप को एक बड़ी बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ पाता है, जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए आगे वो वहाँ से किस तरफ चलता है, स्टेशन से बाहर निकल जाता है, स्टेशन पहुँच गया वो। प्रीपेड एज ही वॉज फॉर मैनी सॉक्स, प्रोफेसर गाई टेंडो हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस। तो वहाँ पर यानी प्रोफेसर गाई टेंडो कई आश्चर्यजनक बातों के लिए तैयार थे। प्रीपेड मीन्स तैयार रहना, सॉक्स मानी जो भी आश्चर्यजनक बातें थी, तो मैनी सॉक्स यानी बहुत सारी आश्चर्यजनक बातें थी, उनके लिए प्रोफेसर गाई टेंडो है वो तैयार था। हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस, लेकिन उन्होंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। तैयार तो था कि उसे कई बड़े आश्चर्य देखने को मिलेंगे यहाँ स्टेशन के बाहर, लेकिन जैसी उन्होंने बिल्डिंग देखी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसकी उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। एक्सपेक्टेड मीन्स से आशा करना, उम्मीद कर रखना। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बीन वॉन्ड अप शॉर्टली आफ्टर द इवेंट ऑफ 1857। अब यहाँ देखिए उसके माइंड में क्या चल रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी का कामकाज तो 1857 के तुरंत बाद ही ख़त्म हो गया था, तो 1857 में जो ईस्ट इंडिया एक आंदोलन हुआ था इंडिया में, 1857 के आंदोलन से जो आज़ादी का पहला आंदोलन माना जाता है, तो कह रहा है कि उस समय उसका तो कारोबार ख़त्म हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो एट लीस्ट दैट इज व्हाट हिस्ट्री बुक सेड, कम से कम इतिहास की पुस्तकों में तो यही लिखा गया है। तो हिस्ट्री की जो बुक्स हैं उनमें तो केवल यही बात लिखी गई है। येट हियर इट वॉज नॉट ओनली अलाइव बट फ्लोरिशिंग, फ्लोरिशिंग मीन्स लिख लेना फलना फूलना, डेवलप होना, और अलाइव मीन्स जीवित। लेकिन ये क्या है, यहाँ ये कंपनी न सिर्फ जीवित है बल्कि फल फूल भी रही थी, डेवलप भी हो रही थी। सो हिस्ट्री हैड टेकन ए डिफरेंट टर्न, इसलिए ये कह सकते हैं कि इतिहास ने शायद 1857 के पहले कोई बहुत बड़ा मोड़ ले लिया था। हिस्ट्री है टेकन ए डिफरेंट टर्न, डिफरेंट टर्न मानी बहुत बड़ा मोड़ ले लिया था, परहैप्स बिफोर 1857। हाउ एंड व्हेन हैड इट हैपेंड, ये सब कब और कैसे हो गया, ही हैड टू फाइंड आउट, उसको ये सब अब पता लगाना था। फाइंड आउट यानी डिस्कवर करना था, मालूम करना था। तो यहाँ उसको सदमा लगा, एक बहुत बड़ा झटका लगा, कि उन्होंने सोचा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी है वो तो 1857 के बाद बिल्कुल फिनिश हो गई थी इंडिया में, जबकि यहाँ तो ये जीवित ही नहीं, फ्लोरिशिंग हो रही है, फल फूल रही है। तो शायद इतिहास ने बहुत बड़ी कोई करवट ली होगी, डिफरेंट ट्रेन यानी बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आया होगा। कैसे आया, कब आया, ये पता लगाना है। एज ही वॉकड अलोंग हॉर्नबाई रोड, जैसे जैसे वह हॉर्नबी रोड पर चलता गया, एज इट वॉज ए कॉल्ड, जैसा कि इसका नाम था, हॉर्नबाई रोड है इज द नेम ऑफ ए रोड, ही फाउंड ए डिफरेंट सेट ऑफ शॉप्स एंड ऑफिस बिल्डिंग्स। तो उन्होंने उस रोड पे चलते चलते देखा कि उन्हें अलग ही तरह की दुकानें और दफ्तरों के ऑफिस के भवन है वो दिखाई दिए, डिफरेंट सेट ऑफ शॉप्स, अलग प्रकार की दुकानें दिखाई दी, ऑफिस बिल्डिंग दिखाई दी।
देर वो नो हैंडलूम हाउस बिल्डिंग, यहाँ पर कोई भी हैंडलूम हाउस के भवन ही नहीं थे, हैंडलूम हाउस की कोई बिल्डिंग ही नहीं थी वहाँ पर। इनस्टेड, इसकी बजाय, हैंडलूम बिल्डिंग के सिवाय, देर वर बूट्स एंड वूलवर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर्स, इसकी बजाय यहाँ उन्हें बूट्स और वूलवर्थ के विशाल विक्रय केंद्र हैं वो दिखाई दे रहे थे। इम्पोजिंग ऑफ ऑफिस ऑफ लाइट्स, जैसे कि लाइट्स के शानदार दफ्तर हैं, तो लाइट्स के शानदार दफ्तर हैं, बार्कलेज हैं एंड अदर ब्रिटिश बैंक, और अन्य ब्रिटिश के बैंक दिखाई पड़ रहे थे। तो यहाँ तो हैंडलूम की दुकानें उनकी बजाय बूट्स वूलवर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर है, इम्पोजिंग ऑफिसर्स ऑफ लाइट्स की दफ्तर है, बार्कलेज है और ब्रिटेन के बैंक दिखाई पड़ रहे थे। एज इन ए टिपिकल हाई स्ट्रीट, ये तो वैसे दिखाई दे रहे थे जैसे कि इंग्लैंड के अंदर एक टिपिकल हाई स्ट्रीट ए टाउन है इन इंग्लैंड, जैसे कि इंग्लैंड के शहर के किसी विशिष्ट सड़कों या बाज़ारों में पाए जाते हैं। तो टिपिकल यानी विशेष जो सड़कें होती हैं एक विशेष प्रकार की, जैसे इंग्लैंड में वहाँ के बाज़ार हैं वैसे यहाँ का माहौल था। अब देखिए नेक्स्ट, ही टर्न्ड राइट अलोंग होम स्ट्रीट एंड इंटर्ड फॉरबिज बिल्डिंग, फिर वे दाईं तरफ मुड़कर होम स्ट्रीट होते हुए फोबोर्ज बिल्डिंग तक पहुँचे। तो ही टर्न्ड राइट अलोंग, वह दाहिनी तरफ मुड़ा होम स्ट्रीट की तरफ, तो होम स्ट्रीट होते हुए फोबोर्ज बिल्डिंग तक पहुँचा। आई विश टू मीट मिस्टर विनय गाइटेंडो प्लीज, अब यहाँ दाईं तरफ मुड़कर जो होम स्ट्रीट होते हुए वो फोबोर्ज बिल्डिंग पहुँचा, वहाँ जाकर रिसेप्शन पे क्वेश्चन पुटअप करता है, क्या पूछता है, आई विश टू मीट मिस्टर विनय गाइटेंडो, मैं कृपया मिस्टर विनय गाइटोंडे से मिलना चाहता हूँ प्लीज, ही सेड टू द इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट, उन्होंने अंग्रेज स्वागतकर्ता से पूछा। तो यहाँ रिसेप्शन पर एक इंग्लिश मैन था, इंग्लिश वुमेन है वहाँ पर, उससे पूछा कि मैं मिस्टर विनय गाइटेंडो से मिलना चाहता हूँ, सी सर्च। अब देखिए, इसलिए मैंने बोला था रिसेप्शनिस्ट एक फीमेल है, उसके लिए प्रोनाउन यूज हुआ है सी। सी सर्च्ड थ्रू द टेलीफोन लिस्ट, उसने टेलीफोन लिस्ट एंड द स्टाफ लिस्ट और स्टाफ लिस्ट को चेक किया, देन थ्रू द डायरेक्टरी ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ ऑल द ब्रांचेज ऑफ द फर्म, उसने टेलीफोन लिस्ट स्टाफ लिस्ट फर्म की सभी शाखाओं के कर्मचारियों की लिस्ट देखी, जितने भी ब्रांच थी इसकी उनके सारे एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज मीन्स उसके कर्मचारी, ब्रांचेज मीन्स शाखाएँ, फर्म मीन्स इस संस्था के, ईस्ट इंडिया कंपनी के या फॉरवर्ड्स बिल्डिंग के। सी सुक हर हेड एंड सैट, उसने अपना सिर ना की मुद्रा में हिलाया और कहा, आई एम अफ्रेड, मुझे डर है, आई कांट फाइंड एनी वन ऑफ दैट नेम इधर हियर और इन एनी ऑफ आवर ब्रांचेज, मुझे डर है कि मैं इस नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानती या ढूंढ सकती, न तो यहाँ पर है और न ही हमारी किसी भी अन्य शाखा में है, इस नाम का कोई व्यक्ति यानी एम्प्लॉई नहीं है, नो वन एम्प्लॉई ऑफ दिस नेम, विनय गाइटेंडो नाम का कोई व्यक्ति हमारे किसी भी ब्रांच में नहीं है, आर यू श्योर ही वर्क्स हियर, तो उस लेडी ने नेक्स्ट क्वेश्चन उससे पूछा, क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि वह यहाँ काम करता है, क्योंकि इस नाम का तो न तो इस ऑफिस में न हमारी किसी अन्य ब्रांच में, क्या आपको विश्वास है पूर्ण कि वो यह काम करता है। दिस वॉज ए ब्लो नॉट टोटली अनएक्सपेक्टेड, ये एक ऐसा सदमा था जो पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं था, नॉट टोटली अनएक्सपेक्टेड, डबल नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव होता है,
तो नॉट भी आया है और अनएक्सपेक्टेड भी आया, एक्सपेक्टेड का ऑपोजिट है अनएक्सपेक्टेड। तो ये एक ऐसा शोक था, ब्लो मीन्स शोक कह सकते हो, आघात कह सकते हो, सदमा कह सकते हो। तो ये एक ऐसा सदमा था जो पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं था। इफ ही हिमसेल्फ वर डेड इन दिस वर्ल्ड, जब वह स्वयं ही इस दुनिया में जीवित नहीं है तो वॉट गारंटी हैड ही दैट हिज सन वुड बी अलाइव, तो इस बात की क्या गारंटी है कि उसका पुत्र जीवित होगा। तो देखिए, ही हिमसेल्फ वर डेड इन दिस वर्ल्ड, यहाँ जो प्रोफेसर गाइटेंडो है वो कह रहा है कि मैं स्वयं ही इस दुनिया में जीवित नहीं हूँ, तो इस बात की क्या गारंटी है कि उसका पुत्र जीवित होगा। इंडीड, वास्तव में, ही मे नॉट इवन हैव बीन बॉर्न, वास्तविकता तो ये भी हो सकती है कि इस दुनिया में वो पैदा ही नहीं हुआ होगा, जबकि रियल बात है वो काल्पनिक दुनिया में है। इसलिए वहाँ पर वो सोच रहा है कि इंडिया है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट कंट्री है, मराठा जीत गए तो ऐसा हो जाता। ही थैंक्ड द गर्ल पोलाइटली एंड केम आउट, उन्होंने लड़की को बहुत ही विनम्रतापूर्वक धन्यवाद दिया और बाहर आ गए। केम आउट यानी बाहर आ जाना, पोलाइटली मीन्स विनम्रतापूर्वक। इट वॉज द करेक्टरिस्टिक ऑफ हिम नॉट टू वरी अबाउट वेयर ही वुड स्टे, तो इस प्रोफेसर गाइटेंडो के करेक्टरिस्टिक की एक विशेषता थी, करेक्टरिस्टिक मीन्स विशेषता, चरित्र की, तो उसके चरित्र की एक विशेषता थी कि वो ठहरने की जगह के बारे में कभी भी चिंतित नहीं होते थे। करेक्टरिस्टिक जो फीचर्स होती हैं, विशेषताएं होती हैं, उसमें चरित्र की जो विशेषताएं होती हैं उनके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज होता है करेक्टरिस्टिक, कि नॉट वरी अबाउट वेयर ही वुड स्टे, कि उसे कहाँ रुकना है, किस जगह रुकना, ठहरने के स्थान के बारे में, स्टॉप नाइट गुजारने के लिए कौन सी जगह रुकना, इसकी वो कभी चिंता नहीं करते थे। हिज मेन कंसर्न वॉज टू मेक हिज वे, उसकी मुख्य चिंता ये थी, कंसर्न मीन्स लिख लेना चिंता, वरी, मेन मीन्स मुख्य, वो ये थी, टू द लाइब्रेरी ऑफ द एसेटिक सोसाइटी टू सॉल्व द रीडल ऑफ हिस्ट्री, उसकी मुख्य चिंता ये थी कि इतिहास की पहेलियों को हल करने के लिए वे एशियाटिक सोसाइटी के पुस्तकालय तक पहुँचे जाए। एसेटिक सोसाइटी टू सॉल्व द रीडल, रीडल मीन्स पहेली और हिस्ट्री मीन्स इतिहास, तो इतिहास की जो पहेली है उसको सॉल्व करने के लिए, ग्रैबिंग ए क्विक लंच एट ए रेस्टोरेंट, इसलिए रेस्टोरेंट में जल्दी से उन्होंने खाना खाया। ही मेड हिज वे टू द टाउन हॉल, और फिर टाउन हॉल के लिए रवाना हो गया, क्विक लंच एट ए रेस्टोरेंट, तो जल्दी से एक रेस्टोरेंट पे उसने खाना खाया और फिर वहाँ से टाउन हॉल के लिए रवाना हो गए, क्योंकि उसे रीडल ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की पहेली को हल करने के लिए एसेटिक सोसाइटी लाइब्रेरी जाना था। यस, टू हिज रिलीफ, हाँ, उन्होंने ये देखकर थोड़ी रिलीफ महसूस हुई, राहत महसूस हुई, रिलीफ मीन्स राहत महसूस करना, कंफर्टेबल फील किया अपने आप को, कि द टाउन हॉल वॉज देयर, कि टाउन हॉल अपनी जगह पर था, वहाँ पर इंग्लिश की कोई बिल्डिंग नहीं थी, टाउन हॉल अपनी ही जगह पर था, ये देखकर उसे थोड़ी सी राहत महसूस हुई। एंड इट डिड हाउस द लाइब्रेरी, और उसमें पुस्तकालय भी था, डिड हाउस द लाइब्रेरी, पुस्तकालय भी था वहाँ पर। ही इंटर्ड द रीडिंग रूम, उसने अध्ययन कक्ष में प्रवेश किया, entered the reading room and asked for a list of history books including his own, और इतिहास की पुस्तकों की सूची मांगी जिसमें उनकी खुद की भी एक किताब थी, तो खुद की भी किताबें थी उसमें लिखी हुई, क्योंकि प्रोफेसर गाइटेंडो एक हिस्टोरियन पर्सन है, तो एक हिस्टोरियन पर्सन है तो वो अपनी पुस्तकें लिखा करता था, तो उसकी पुस्तकें भी उसमें मौजूद थी, खुद
खुद की पुस्तकें भी थी। हिज फाइव वॉल्यूम ड्यूली अराइव्ड ऑन हिज टेबल, और उनकी पांच पुस्तकें बिल्कुल विधिवत रूप से उनकी टेबल पर आ पहुंची। अराइव्ड मीन्स आना, यानी जो भी वहाँ लाइब्रेरियन था, इन्होंने वो हिस्ट्री की बुक की लिस्ट मांगी और उसने वो फाइव वॉल्यूम यानी जो पांच पुस्तकें थी, फाइव पार्ट थे, वो उनकी टेबल पे आ गई। ही स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग, उन्होंने प्रारंभ से ही पढ़ना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड मीन शुरू कर दिया, फ्रॉम द बिगिनिंग मानी प्रारंभ से। वॉल्यूम वन टुक द हिस्ट्री अप टू द पीरियड ऑफ अशोका, तो पहली किताब इतिहास की जो थी वो अशोक के ज़माने तक ले गई, यानी पीरियड ऑफ अशोक, अशोक के काल तक की लिखी हुई पुस्तक थी। तो फर्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री है वो किससे संबंधित थी यहाँ पे पूछे, तो वो हिस्ट्री अप टू द पीरियड ऑफ अशोका, जो ग्रेट अशोक के नाम से जाना था, महान अशोक, तो वहाँ तक ले गई उसको वो पुस्तक। वॉल्यूम टू अप टू, और दूसरी जो सेकंड बुक थी वो पुस्तक ले गई समुद्रगुप्त के युग तक। तो यानी जैसे हिस्ट्री आप जानते हैं तो 320 ईस्वी पूर्व मौर्य वंश की स्थापना हुई थी और उसका जो महान शासक था अशोक वो मौर्य वंश के युग की थी, और समुद्रगुप्त वो ईस्वी सन के बाद का है, तो ये गुप्त वंश का शासक था। तो मौर्य वंश के शासक के बारे में फर्स्ट बुक थी और गुप्त वंश के बारे में सेकंड पुस्तक थी। वॉल्यूम थ्री अप टू मोहम्मद गोरी, और जो थर्ड पुस्तक थी इतिहास की वो मोहम्मद गोरी तक ले गई उसे। वॉल्यूम फोर अप टू द डेथ ऑफ औरंगजेब, और चौथी औरंगजेब की मृत्यु तक की थी। तो फोर जो डायनेस्टी थी उनके नाम फिर रिपीट कर देता हूँ मैं। फर्स्ट बुक अबाउट द मौर्य वंश, सेकंड बुक अबाउट द गुप्त वंश, एंड थर्ड बुक ऑफ द गौरी वंश, एंड फोर्थ ऑफ द मुगल वंश। औरंगजेब मुगल वंश का शासक था, तो मुगल वंश तक है फोर्थ पुस्तक है वो ले गई उसे। अप टू दिस पीरियड हिस्ट्री वॉज एज ही न्यू इट, और इस समय तक का इतिहास तो बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो जानते थे, इसमें कोई बदलाव नहीं आया था, बिल्कुल वैसा ही था। द चेंज इविडेंटली हैड अकर्ड इन द लास्ट वॉल्यूम, तो परिवर्तन तो साफ तौर से अंतिम खंड में आया था। तो स्पष्ट रूप से अकर्ड मानी घटित हुआ था, लास्ट वॉल्यूम मानी लास्ट पार्ट, और लास्ट पार्ट का मतलब यहाँ है फिफ्थ बुक से। तो पांचवी जो इतिहास की पुस्तक थी उसमें साफ तौर पे परिवर्तन आया है। रीडिंग वॉल्यूम फाइव फ्रॉम बोथ एंड इनवर्ड्स, पांचवें खंड को शुरू से आखिर तक पढ़ते हुए, मीनिंग लिख लेना यहाँ पर, फ्रॉम बोथ एंड्स इनवर्ड्स मीन्स लिख लेना शुरू से लास्ट तक, स्टार्ट टू एंड, शुरू से लेकर अंत तक उन्होंने पांचवें खंड को पढ़ा। गंगाधर पंत फाइनली कन्वर्ज्ड ऑफ द प्रीसेज मोमेंट वेयर हिस्ट्री है टेकन ए डिफरेंट टर्न, और गंगाधर पंत उस अवधि में आकर बिल्कुल कंसर्न्ड हो गए, एकाग्रचित हो गए, मीनिंग लिख लेना, कन्वर्ज्ड मीन्स एकाग्रचित हो जाना, कंसंट्रेट हो जाना, इंग्लिश टू इंग्लिश लिख लेना कंसंट्रेट। तो गंगाधर पंत उस अवधि में आकर बिल्कुल कंसंट्रेट हो गए जहाँ से इतिहास ने एक नया मोड़ लिया था, हिस्ट्री टेकन ए डिफरेंट टर्न, एक भिन्न मोड़ लिया था। दैट पेज इन द बुक डिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत, पुस्तक के उस पृष्ठ पर पानीपत के युद्ध का वर्णन था जो 1761 में लड़ा गया था। द पेज इन द बुक डिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत
एंड इट मैंशन दैट द मराठा वन इट ए हैंडसमली, और उसमें लिखा था कि मराठों ने इस युद्ध को शानदार तरीके से जीता था। मैंशन मीन्स वर्णन किया गया था, जिक्र किया गया था। मराठा जो महाराष्ट्र के शासक थे पुणे के, हैंडसमली मानी शानदार तरीके से, और वन मीन्स जीत गए थे। तो पानीपत का युद्ध मराठे हैं वो बहुत शानदार तरीके से जीता था। अब्दाली वॉज रूटेड, अब्दाली को वहाँ से खदेड़ दिया गया था। रूटेड मानी जड़ से उखाड़ देना, पूर्ण रूप से पराजित कर देना, और अब्दाली इज द रूलर ऑफ अहमद शाह अब्दाली। एंड ही वॉज चेस्ड बैक टू काबुल, और विजय मराठा की सेना ने काबुल तक उसका पीछा किया था। ट्रम्फिट मराठा आर्मी, मराठा की विजयी सेना। तो मराठा की जो विजयी सेना थी उन्होंने काबुल तक उसका पीछा किया और उसको वहाँ से बिल्कुल भगा दिया था। लीड बाई सदाशिवराव भाऊ, और मराठा सेना का जो नायक था सदाशिवराव भाऊ था। सदाशिवराव भाऊ है वो मराठाओं का नायक यानी उनका रूलर था। एंड हिज नेफ्यू, और उसके साथ था उसका भतीजा जो बिल्कुल यंग था जिसका नाम था विश्वास राव। तो सदाशिवराव भाऊ और युवा विश्वास राव ने मराठाओं की जो सेना के नायक थे उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को पानीपत के युद्ध में शानदार तरीके से हरा दिया था, काबुल तक उन्हें खदेड़ दिया था। द बुक डिड नॉट गो इन टू ए ब्लो बाई ब्लो अकाउंट, इस किताब में युद्ध का विस्तृत विवरण नहीं था। ब्लो बाई ब्लो अकाउंट मीन्स लिख लेना, डिटेल में डिस्क्राइब नहीं किया गया था युद्ध का। तो डिटेल में वर्णन नहीं था, ब्लो बाई ब्लो अकाउंट, विस्तृत विवरण नहीं था ऑफ द बैटल इटसेल्फ, युद्ध का। रेदर इट इलोबरेटेड इन डिटेल इट कॉन्सिक्वेंस फॉर द पावर स्ट्रगल इन इंडिया, इसके बजाय इसमें युद्ध जो वर्णन नहीं था पुस्तक में पानीपत का युद्ध का विस्तृत, इसकी बजाय इसमें युद्ध के बाद के भारत में सत्ता संघर्षों का विस्तार से विवरण था। इसकी बजाय रेदर का, रेदर मीन्स लिख लेना, इसकी बजाय इलोबरेट मानी विस्तृत विवरण था डिटेल में कॉन्सिक्वेंस फॉर द पावर स्ट्रगल इन इंडिया। तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बाद जो युद्ध हुआ उनके युद्ध के बाद की स्थिति में सत्ता के लिए जो संघर्ष हुआ भारत में उसका विवरण इसमें विस्तार से था। गंगाधर पंत रीड थ्रू द अकाउंट एविडली, गंगाधर पंत ने इस सारे विवरण को बहुत ही उत्साहपूर्ण तरीके से पढ़ा। रीड थ्रू अकाउंट एविडली, बहुत ही एक्साइटेड होकर उन्होंने पढ़ा। एविडली मीन्स लिख लेना, एक्साइटेड होकर उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा। द स्टाइल ऑफ राइटिंग वॉज अनमिस्टेकेबली हिज, पुस्तक की लेखन शैली ठीक उनकी ही जैसी थी, अनमिस्टेकेबल यानी कोई गलती नहीं थी। येट ही वो रीडिंग द अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम, फिर भी उस विवरण को वो पहली बार पढ़ रहे थे। तो बुक की जो राइटिंग स्टाइल थी वो बिल्कुल वैसी थी, ठीक उनके जैसी, जैसा वो खुद लिखा करता था बिल्कुल वैसी थी, अनमिस्टेकेबली बिना कोई गलती के, लेकिन पहली बार पढ़ रहा था वो। देयर विक्ट्री इन द बैटल वॉज नॉट ओनली ए ग्रेट मॉरल बूस्टर टू द मराठाज, इस युद्ध में मराठों की विजय न केवल उनके लिए महान साहसवर्धक घटना थी, मॉरल बूस्टर, मॉरल बूस्टर मीन्स लिख लेना नैतिक रूप से उनके अंदर साहस पैदा कर देना, विक्ट्री मीन्स विजय,
देयर विक्ट्री इन द बैटल वॉज नॉट ओनली ए ग्रेट मॉरल बूस्टर, तो साहसवर्धक ही नहीं थी उनके लिए ये जीत मराठाओं के लिए, बट इट ऑल्सो इस्टेब्लिश देयर सुपरमेसी इन नॉर्दर्न इंडिया, बल्कि इसे उत्तरी भारत में मराठाओं की श्रेष्ठता भी सिद्ध कर दी थी। इस्टेब्लिश मीन्स स्थापित कर देना, सुपरमेसी मीन्स श्रेष्ठता, नॉर्दर्न इंडिया मानी उत्तरी भारत में उन्होंने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी थी। द ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैड बीन वॉचिंग दीज डेवलपमेंट फ्रॉम, ईस्ट इंडिया कंपनी जो इन घटनाओं को ध्यान से देख रही थी, वॉचिंग दीज डेवलपमेंट यानी ध्यान से देख रही थी, फ्रॉम द साइडलाइन गॉट द मैसेज एंड टेम्परेली सील्ड इट एक्सपेनिस्ट प्रोग्राम। तो इन घटनाओं को ध्यान से देख रही थी, तथ्यों को समझ गई थी कि कुछ समय के लिए उसने अपने विस्तारवादी इरादों को स्थगित कर दिया था, टेम्परेली मानी अस्थायी रूप से, और एक्सपेनिस्ट मानी विस्तारवादी नीति को कुछ समय के लिए उन्होंने रोक दिया था। तो देखिए, फॉर द पेशावर वॉज द इमीडिएट रिजल्ट, तो उन्होंने अपने विस्तारवादी इरादे थे उनको स्थगित कर दिया था टेम्परेली कुछ समय के लिए। फॉर द पेशवा द इमीडिएट रिजल्ट वॉज एन इंक्रीज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ए भाऊ साहिब एंड विश्वास राव, पेशवाओं के लिए इस विजय का तुरंत परिणाम ये हुआ कि भाऊ साहब और विश्वास राय के प्रभाव में वर्दी हो गई। तो पेशवा जो थे, तो मराठाओं में जो राजा थे उनको पेशवा के नाम से जाना जाता था, तो इसका इमीडिएट रिजल्ट यानी तुरंत परिणाम ये निकला कि इंक्रीज मीन्स बढ़ गया, इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव भाऊ साहिब का और विश्वास राय का, तो विश्वास राव और भाऊ साहब का प्रभाव है वो काफ़ी बढ़ गया। Who eventually succeeded his father in 1780 AD, जो अंततः 1780 में अपने पिता का उत्तराधिकारी बना, क्योंकि 1761 है वहाँ तो पानीपत का युद्ध हुआ था और वहाँ तो भाऊ साहब थे और विश्वास राय उस समय युवा था, राजकुमार था वो, तो लेकिन 1780 में वो उत्तराधिकारी बना। द ट्रबल मेकर, परेशानी पैदा करने वाले जो अपने दादा साहिब थे, वॉज रिलीगेटेड टू द बैकग्राउंड, परेशानी पैदा करने वाले श्री दादा साहिब पृष्ठभूमि में चले गए थे। ही इवेंचुअली रिटायर्ड फ्रॉम स्टेट पॉलिटिक्स, और अंततः राज्य की राजनीति से वो दूर हो गए थे। तो जो उनके दादा साहिब थे वो तो पृष्ठभूमि में चले गए यानी काफ़ी ओल्ड हो गए, तो वो तो पॉलिटिक्स से राजनीति से दूर हो गए, और अब युवा जो था विश्वास राय 1761 में वो अब वहाँ का शासक बना। टू इट डिसमे, द ईस्ट इंडिया कंपनी मीट इट ए मैच इन द न्यू मराठा रूलर, और ईस्ट इंडिया कंपनी को ये जानकर निराशा हुई कि नया मराठा शासक जो विश्वास राव है उनकी ही तरह से चतुर है, यानी विश्वास राय है वो क्लेवर पर्सन है। टू इट डिसमे, डिसमे मीन्स लिख लेना निराशा, ये जानकर निराशा हुई ईस्ट इंडिया कंपनी को कि न्यू मराठा रूलर है विश्वास राव, वो उनकी तरह काफ़ी चालाक है। ही एंड हिज ब्रदर, वह और उसका भाई माधव राव, कंबाइंड पॉलिटिकल एक्यूमिन विद वैलूर एंड सिस्टेमेटिकली एक्सपेंडेड देयर इन्फ्लुएंस, उसने और उसके भाई माधव राव ने राजनीतिक बुद्धिमानी और वीरता का मिश्रण करके धीरे धीरे सारे उत्तरी भारत पर अपना प्रभाव फैला दिया, इन्फ्लुएंस ऑल ओवर इंडिया, यानी पूरे उत्तरी भारत पर विश्वास राव और उसका भाई माधव राव ने राजनीतिक बुद्धिमानी और वीरता का मिश्रण करके
धीरे धीरे सारे उत्तरी भारत पर अपना प्रभाव फैला दिया। कंबाइंड मीन्स लिख लेना मिश्रित, पॉलिटिकल एक्यूमेन मीन्स लिख लेना राजनीतिक बुद्धिमानी, और वैलूर मीन्स लिख लेना साहसिक वीरता। सिस्टेमेटिकली माने बिल्कुल सुनियोजित तरीके से, एक्सपेंडेड माने विस्तार किया, इन्फ्लुएंस माने प्रभाव, ऑल ओवर इंडिया यानी संपूर्ण उत्तरी भारत पर। द कंपनी वॉज रिड्यूस टू पॉकेट ऑफ इन्फ्लुएंस नियर ए बॉम्बे। अब कंपनी का प्रभाव क्षेत्र सिमट कर मुंबई तक ही रह गया। रिड्यूस्ड मीन्स कम हो जाना, पॉकेट मीन्स शाब्दिक अर्थ होता है जेब, यहाँ बावाट निकलेगा सिमट जाना। नियर बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, जस्ट लाइक इट यूरोपियन राइवल, बिल्कुल उसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भी सिमट गई जैसे उनके प्रतिद्वंदी थे यूरोपियन राइवल्स। राइवल्स मीन प्रतिद्वंदी, जैसे पुर्तगीज एंड द फ्रेंच। तो चेन्नई के आसपास और मुंबई कलकत्ता के आसपास के छोटे छोटे इलाकों तक ही ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव रह गया था, ठीक वैसे ही जैसे यूरोपियन कंपनी है वो प्रतिद्वंदी थी ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी की, जैसे पुर्तगाली और फ्रांसीसियों का था। तो पुर्तगाली और फ्रांसीसियों का जैसे प्रभाव सिमट गया था, वैसे ही प्रभाव सिमट गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। फॉर पॉलिटिकल रीजन द पेशवा केप्ट द पपिट मुगल रिजिम अलाइव इन दिल्ली। पपिट मीन्स लिख लेना कठपुतली। राजनीतिक कारणों से पेशवाओं ने दिल्ली में कठपुतली मुगल सम्राट बनाए रखा। पॉलिटिकल रीजन मीन्स लिख लेना राजनीतिक कारणों से जो पेशवा थे महाराष्ट्र के, उन्होंने पपिट मुगल, मुगल वंश का नाम है पपिट कठपुतली है, रिजीम अलाइव इन दिल्ली, तो सम्राट के रूप में एक कठपुतली के रूप में मुगल सम्राट को उन्होंने बनाए रखा दिल्ली में। इन द 19th सेंचुरी दीज, और 19वीं शताब्दी में दीज डी फैक्टो रूलर फ्रॉम पुणे वरे एस्टिट्यूट एनफ टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द टेक्नोलॉजी एज डाउनिंग इन यूरोप। अब देखिए क्या परिवर्तन आता है। 19वीं शताब्दी में पुणे के उन असली शासकों ने अपनी बुद्धिमानी से ये समझ लिया था कि यूरोप में उदय होती हुई तकनीकी सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ हार्ड मीनिंग जरूर लिख लेना, यहाँ से उसके माइंड में चेंज आता है कि 19वीं शताब्दी में डी फैक्टो यानी इस वास्तविक तथ्य को समझ लिया था वहाँ के रूलरों ने। डी फैक्टो यानी जो वास्तविक शासक थे पेशवा, उन्होंने समझ लिया था कि पुणे वर एसेटिक एनफ टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द टेक्नोलॉजी, कि आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसका क्या महत्व है वो समझ लिया था। डाउनिंग इन यूरोप, जो उदय हो रही थी, डाउनिंग मीन्स लिख लेना उदय होना यूरोप, तो यूरोप में जो महत्वपूर्ण तकनीकी सभ्यता उदय हो रही थी उसको उन्होंने समझ लिया था कि बहुत महत्वपूर्ण। दे सेट अप देयर ओवन सेंटर फॉर ए साइंस, इसलिए उन्होंने भी विज्ञान के अपने केंद्र बना लिए, टेक्नोलॉजी के अपने केंद्र बना लिए। सेंटर्स मीन्स केंद्र स्थापित करना, साइंस टेक्नोलॉजी विज्ञान और तकनीक, इसलिए उन्होंने भी विज्ञान और तकनीकी के अपने केंद्र स्थापित कर लिए। हियर द ईस्ट इंडिया कंपनी सा अनदर अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रभाव के विस्तार का एक और मौका देखा। मीनिंग लिख लेना अपॉर्चुनिटी मीन्स मौका, अनदर मीन्स दूसरा, तो हियर मीन्स यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा एक और मौका मिल गया उनको। एक्सटेंड इट इन्फ्लुएंस, कंपनी को और प्रभावशाली बनाने का। इट ऑफर्ड एड एंड एक्सपर्ट, इसलिए कंपनी ने सहायता और विशेषज्ञ देने के प्रस्ताव दिए पेशवाओं को। ऑफर्ड मीन्स प्रस्ताव देना, एड मीन्स हेल्प करना, एक्सपर्ट माने विशेषज्ञ। तो कंपनी ने चांस देखा कि अब हम अपना प्रभाव दोबारा से बढ़ा सकते हैं, इसलिए उन्होंने पेशवाओं के सामने ऑफर दिया
कि हम आपकी सहायता करना चाहते हैं और विशेषज्ञ प्रदान करना चाहते हैं। देवर एक्सेप्टेड ओनली टू मेक द लोकल सेंटर सेल्फ सफिशियंट, और मराठाओं ने इस प्रस्ताव को केवल अपने विज्ञान केंद्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही स्वीकार किया। सेल्फ सफिशियंट यानी आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो वहाँ के स्थानीय लोकल सेंटर थे, एक्सेप्टेड मीन्स स्वीकार किया, देवर्ड आया मराठों के लिए। तो मराठों ने इन प्रस्तावों को केवल अपने विज्ञान केंद्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही स्वीकार किया। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम इस वीडियो का पार्ट नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे होम स्टे सेफ ड्यू टू COVID-19। ऑनलाइन क्लासेज हैं, वो ज़रूर आप पढ़ते रहिए वरना पिछड़ जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।